संभाग आयुक्त कार्यालय पर कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन। बुजुर्गों के अपमान को लेकर नगर निगम खिलाफ हो रहा प्रदर्शन। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, कांतिलाल भूरिया सहित कई नेता मौजूद। महिला मोर्चा भी हाथों में तख्तियां लिए कमिश्नर कार्यालय पहुंची। संभाग कमिश्नर को देंगे दोषी निगम अधिकारियों के खिलाफ राज्यपाल के नाम ज्ञापन। कांग्रेसियों ने संभागायुक्त कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में वरिष्ठ और अन्य कार्यकर्ता पहुंचे। बुजुर्गों के सम्मान में श्रवण कुमार बने कांग्रेसी। इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने और कहीं ने हमने उन्होंने दुख जताया, पूरे देश की लोगों ने दुख जताया कि इतनी निर्मम निर्दयता से हमारे गरीब और जो बुजुर्ग हैं, जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पड़े, उनको एक मवेशी तरह से, पशु तरह से उनको ठूस ठूस के भर के जंगलों में जाके छोड़ रहे थे। तो पूरा देश मतलब दुखी था कि ये इंदौर में इस तरह से मानवता नाम की कोई चीज है कि नहीं है, वहाँ के प्रशासन को मानवता है कि नहीं, अमानविक तरीके से, और सरकार भी मूक दर्शक बन के सुन रही देख रही मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे। इसीलिए आज हमारे इंदौर के जाबाज कार्यकर्ता नेताओं ने आज यहाँ पे कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना देकर उनको ज्ञापन देंगे महामहिम राज्यपाल के नाम से, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से। तत्काल इस सरकार के ऊपर कार्रवाई करे और ऐसे इंदौर जैसी हालत पूरे प्रदेश में हो रही है, हर बुजुर्ग को मतलब गलत निगाह से देखा जा रहा है सरकार की तरफ से और वहाँ की नगर पालिका नगर निगम, तो नगर निगम के खिलाफ भी कार्य होना चाहिए और बुजुर्ग जितने भी प्रदेश में है उनको सम्मान के साथ रखने की जगह स्थापित ढूंढे और खाने पीने की व्यवस्था करे, मध्य प्रदेश सरकार की नैतिक जवाबदारी है। हम शिवराज जी से अनुरोध करते हैं कि उन बुजुर्गों को सम्मान के साथ खाने पीने कपड़े लत्ते जब तक जिंदे रहे उनको ये सरकारी संपत्ति घोषित करे और उनको जीने का सहारा दे, ये हमारी मांग है। नहीं तो आज मैंने जंगल में जाके छोड़ दिए थे, अगर मान लो वहाँ आवाज नहीं उठाते इंदौर के निवासी तो आज उनको जानवर खा जाते, वो क्या बेमौत पर मारे जाते लोग। इसलिए आज हम लोग पूरे कांग्रेस के साथी लोग यहाँ पर आए हैं और हम मांग करते हैं कि सरकार और नगर निगम के खिलाफ कार्रवाई करे, दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करे, ये हमारी मांग है। Subscribe now to most exciting channel ever.